अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 के बारे में। तो आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं और उनको सम करते हैं तो उसका सम भी रियल नंबर ही आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर लें, ए बी नंबर को हम उसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिनोट कर लेते हैं ए बी से, तो कोई भी जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स के, अगर हम उनको एडिशन करें उनका, तो वो भी उनका आंसर भी रियल नंबर ही होगा। अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल भी दी जा रही है राइट साइड पे कि अगर हम -5 और 11 लेते हैं रियल नंबर्स में से और उनका सम करते हैं, वो 6 आता है और 6 आपको पता है कि रियल नंबर ही होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो भी कह सकते हैं ऑल्सो देन ए बी प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ यू टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स लें और उनका हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी से भी डिनोट करते हैं, तो उसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जो नंबर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये राइट साइड पे एग्जांपल है, -5 और 11 हमने नंबर लिया और उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -55, वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये टू नंबर्स लें, कोई भी दो नंबर हों उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम कोई भी थ्री रियल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, तो अब ए प्लस बी का ब्रैकेट अगर पहले लगा दी जाए और प्लस सी बाहर है, और इसी तरह इक्वल टू ए बाहर है और बी प्लस सी को ब्रैकेट में अगर हम हल करें, आपको पता है कि जो ब्रेसिस होती हैं या ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व आउट करें तो दोनों का सेम आंसर आता है। अगर आप एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आ रही है कि 7 + 4 आप देखते हैं कि वो आता है 11 + 5, और इसी तरह अगर आप 4 + 5 को अगर हम प्लस करें तो वो आ जाता है 9, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16, और इक्वल टू यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें कि ए प्लस बी को पहले सॉल्व आउट कर लें, और अगर उसका आंसर, और अगर हम बी प्लस सी को पहले सॉर्ट आउट कर लें और उसका आंसर भी सेम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं सबके आंसर सेम आ रहे हैं। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए और बी सी तीन नंबर्स लिए हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर हम उनमें ए डॉट बी यानी ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर देन सी के साथ करें, तो और या फिर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद देन हम ए और बी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आता है। इस तरह यहाँ पर 7 4s आर अगर हम करें तो 28.5 यानी पॉइंट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह अगर हम करेंगे 7 और 4 और 5 20 तो यहाँ पर आंसर सेम आएंगे, कैसे 140 और इक्वल टू 140। ठीक है, तो ये हमारे आंसर सेम आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स पहले अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें है इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0।
अगर ए रियल नंबर हो और एक यूनिक नंबर ज़ीरो यानी ज़ीरो के साथ अगर हम उसको प्लस करेंगे, चाहे हम उसको पहले प्लस करें, उसको बिफोर ज़ीरो लिखें या आफ्टर ज़ीरो लिखें, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, यानी वो नंबर हमारा सेम एज ऐसे ही ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो वो नंबर ही आता है, तो ज़ीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिशन के लिहाज से किसी भी नंबर में अगर प्लस किया जाए तो वो नंबर सेम एज हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारे पास सेम एज आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर है, कोई भी रियल नंबर है और उसको हमने वन के साथ मल्टीप्लाई किया, या वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है, तो नंबर ही हमारे पास आ जाता है। तो आपने कहना है कि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, एडिशन के लिहाज से ज़ीरो ऐसा नंबर है जो हमें नंबर ही दे देता है रिज़ल्ट में, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है जो हमें नंबर ही दे देता है रिज़ल्ट में। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए। तो किसी भी रियल नंबर का एक यूनिक रियल नंबर मौजूद होता है माइनस ए, जिसको अगर हम उसके साथ एडिशन करें तो हमारे पास उसका आंसर ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ए का एक यूनिक नंबर माइनस ए है तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, या इसी तरह माइनस ए का यूनिक नंबर ए है, यानी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो जब इन्वर्स को एडिशन किया जाएगा उनका तो उनका आंसर ज़ीरो आएगा। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं, एट इज़ माइनस एट एडिटिव इन्वर्स है, और जब इनको हमने प्लस किया माइनस एट के साथ तो ज़ीरो आया, यानी जिस नंबर के साथ उसको प्लस किया जाए रियल नंबर को और उसका आंसर ज़ीरो आए तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जैसे कि आपने एडिटिव इन्वर्स देखा कि जिस नंबर के साथ किसी भी रियल नंबर के साथ दूसरा नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर एक आ जाए, वन आ जाए, तो उसे हम उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। अगर ए जो है इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल ना हो, एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, तो एक ऐसा नंबर भी मौजूद होगा वन ओवर ए, अगर हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वन आएगा, तो उस नंबर को, उस दूसरे नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। जैसे ए को अगर वन ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवन को अगर वन ओवर सेवन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आ गया। इसी तरह थ्री ओवर फाइव को फाइव ओवर थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कटिंग होकर आंसर आ गया वन। यहाँ पर रिमेंबर रखें, ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो ही हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, तो अगर हम उनको ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, यानी पहले कोई भी नंबर रख लिया जाए, तो उसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आप ये राइट साइड पे इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अगर हम ए को पहले मल्टीप्लाई बी के साथ कर लें या बी को पहले मल्टीप्लाई ए के साथ कर लें तो आंसर सेम आएगा, तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपने ये याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें है अगर आप इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, देन ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बी प्लस सी, तो वो इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें सी के साथ और इक्वल आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इनका आंसर आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि ए टू को पहले हमने बाहर रखा, थ्री प्लस फोर किया, और इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया और टू को फोर के साथ, तो ये आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। या फिर अगर हम 2 प्लस 3 को पहले जो है वो एडिशन कर लें और 4 को मल्टीप्लाई बाद में कर लें तो उनके आंसर भी सेम आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आप पहले भी कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके साथ मिलती जुलती यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की थी।
जिसमें हमने ब्रैकेट्स में पहले दो नंबर्स को रखा था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के नाम से। तो आपने ये ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टीज़। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज इन द फॉलोइंग। चलें सबसे पहले है 11 प्लस 0। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी एक की थी जिसमें हमने कहा था कि नंबर को अगर 0 के साथ प्लस किया जाए तो उस नंबर हमारे पास सेम एज आ जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन्वर्स की। तो हम कह सकते हैं कि ये है एडिटिव इन्वर्स, यानी अगर 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे इसको, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और अगर हम इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो ये हमारे पास सेम एज आ जाएगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्स और वाई को हम जी के साथ मल्टीप्लाई करें या हम एक्स को पहले वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। आपने क्या करना है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, आपने इन बारी बारी देखते जाना है हर क्वेश्चन को और प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करके ये आपने टास्क खुद ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आ जाएँ पहले एग्जाम्पल।